बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत से सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज 28 अप्रैल जुमे का दिन और हफ्ते का भी आखिरी दिन है, इसके साथ महीने का भी आखिरी दिन है और ये दिन भरा हुआ है न्यूज़ के साथ। तो आज हम देखेंगे कि मार्केट पर क्या क्या चीज़ें असरअंदाज होंगी और आज मार्केट की स्पीड और रफ्तार क्या होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ चले हैं तो हमें ज्वाइन करने के लिए नीचे IB का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें और इसके बाद व्हाट्सएप नंबर जो आप इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस पर आप हमें वो अकाउंट नंबर भिजवा दें तो हम आपको शामिल कर लेंगे अपने IB ग्रुप में। आज फ्राइडे में अगर देखें, सबसे पहले सुबह होते साथ ही JPY का अटैक हुआ और उसके बाद JPY का अटैक अभी सारा दिन चलेगा क्योंकि बैंक ऑफ जापान की आउटलुक रिपोर्ट है और इसके बाद मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है। तो JPY में जितने भी लोग काम करते हैं जरा मुहतात रहिएगा क्योंकि आज सारा दिन JPY का है और JPY का अटैक चल सकता है। और उसके बाद यूरो की एक और है, इसमें CPI है यूरो के ऊपर भी, तो इसका अटैक भी मार्केट पे होगा। तो JPY के साथ साथ यूरो के पेयर में जो काम करते हैं वो इसकी स्पीडों के ऊपर ज़रा नज़र रखिएगा क्योंकि बहुत तेज चलने वाले हैं। 5:30 PM पे USD की एक न्यूज़ है जिसमें कोर PCE प्राइस इंडेक्स है मंथ और मंथ बेसिस पर। ये कोर PCE प्राइस इंडेक्स जो सा वो पाथ सेट करती है आगे आने वाले वक्त में कि आपकी रेट हाइक होगा या नहीं होगा। इसलिए बहुत अहम न्यूज़ है 5:30 PM पे और इसका इफेक्ट जो सा डेफिनेटली USD के तमाम पेयर्स के ऊपर आएगा और इसके साथ साथ आपके जितने मेटल्स हैं उनके ऊपर भी इसका अच्छा खासा इफेक्ट आएगा। उसके साथ फिर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, ये भी एक अच्छी न्यूज़ होगी मार्केट के लिए। और अगर ये 1.1% से ऊपर आ जाता है तो DXY के लिए बेहतर न्यूज होगी। और उसके बाद दोबारा 6:40 PM पे शिकागो PMI है और फिर कंज्यूमर सेंटिमेंट है 7 PM। तो आज सारा दिन जो न्यूज़ से भरा हुआ है जिसमें यूरो की न्यूज़ हैं और उसके बाद USD की न्यूज़ हैं और JPY की न्यूज़ हैं। आप बड़ा मुहतात होकर चलिएगा आज का दिन क्योंकि महीने का भी आखिरी दिन। गोल्ड जोन सा वो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे गोल्ड जोन सा वो हैमर से निकल कर आप ग्रेवस्टोन डोजी की तरफ जाना शुरू हो गया। ये वाला मैंने आपको पॉइंट पहले भी बताया था कि इस पॉइंट के ऊपर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है जिससे लग रहा है कि गोल्ड जोन सा वो बियरिश ही है, वो बियरिश साइड पे चल रहा है। तो ये जो कैंडल बनी है ये भी आपकी ग्रेवस्टोन डोजी की तरफ जा रही है और आज का दिन बैलेंस है। अगर आज का दिन ये मजीद नीचे आ जाता है तो ये ग्रेवस्टोन डोजी से निकलकर हो सकता है कि एक मुकम्मल बियरिश कैंडल भी बना सकती है क्योंकि PCE का डेटा है और PCE के डेटा के ऊपर आगे आने वाला पाथ सेट होना है। इसलिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस कैंडल के लिए, हो सकता है ये कैंडल मजीद जो सा वो नीचे चली जाए। लेकिन अभी तक ये हमारा ये एरिया जो सा वो नहीं ब्रेक कर पा रही। आप ये देखें तकरीबन इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तकरीबन आप 7 वीक हो गए, 6 वीक से मार्केट इसी एक रेंज में फंसी हुई है। सिर्फ एक दफ़ा इसने ये इसका हाइप लगाया है, अपसाइड जाने की कोशिश की है लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट उसी एक रेंज के अंदर आके चल रही है। बाइंग एरिया जो सा वो 1970 के करीब है, 1970 उसको नहीं तोड़ पा रही और अप साइड पे 2000 से ऊपर अभी तक नहीं जा रही, 2010 ये लेवल जो सा वो मार्केट जो सस्टेन करती आ रही है। अगर 4 आवर्स में जाके देखें और अपने आज के टारगेट निकालें और देखें मार्केट कहाँ तक जा सकती है। और अब अगर गोल्ड को हम 4 घंटे के ऊपर देखें और अपने टारगेट्स निकालें तो गोल्ड जो सा ये एरिया जो सा इसका बाइंग एरिया है गोल्ड के लिए 1976 से लेकर और 1971 तक। अगर गोल्ड इस एरिया में आता है तो बाय का रिस्क लाजमी लें, इसमें बाय करें और बाय के साथ फिर आप ऊपर जा सकते हैं लेकिन इसका स्टॉप लॉस जोन सा 1968 तक होगा। 1968 का इसका स्टॉप लॉस रखें, इसके अंदर बाय करें और आप इंशाल्लाह इसमें बेनिफिशियल होंगे।
और अप साइड पे अगर देखें तो गोल्ड में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1991 की। अगर गोल्ड जोन से 1991 का एरिया नहीं तोड़ता तो गोल्ड आपका निचली साइड पर ही रहेगा, हो सकता है फिर ये एरिया भी ब्रेक कर जाए। लेकिन आपके पास आज पीसी का डेटा है जिसके ऊपर मार्केट जिस तरह कल ये मूव की है कि अप साइड के भी इसने स्टॉप लॉस तोड़े और निचली साइड पे भी स्टॉप लॉस तोड़े और फिर उसके बाद एक डायरेक्शन ली, तो मार्केट इस तरह की एक डायरेक्शन आज भी बना सकती है। लेकिन हम लोग अपने आप को स्टिफ करेंगे, अपने आप को रोकेंगे। अगर मार्केट 1991 से के करीब ट्रेड होती है तो हम इसमें सेल की एंट्री लेंगे और इसके साथ 1972 तक और 70 तक चलेंगे। और अगर मार्केट नीचे आती है 1971-72 यहाँ पे बाय की एंट्री लेंगे और इसके साथ हम मार्केट में अपसाइड पे चलेंगे। ये हमारे दो व्यूज हैं। और अगर मार्केट अपसाइड पे जाती है 72 से तो पहला टारगेट इसका 91 होगा और दूसरा टारगेट इसका 2000 होगा। ये मार्केट के आज के हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, इसलिए बड़ा ध्यान से काम कीजिएगा गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड इसको कुछ भी कर सकता है। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल पे जाके अपने टारगेट्स निकालते हैं। यूएस ऑयल में आपको याद होगा कि मैंने आपको ये लेवल कल भी बताया था, ये वाला लेवल और ये लाइन मैंने आपके सामने ही लगाई थी। गोल्ड यूएस ऑयल जोन सा अपनी इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो अगर ये यूएस ऑयल दोबारा 74 के करीब आपको मिलता है तो इसमें बाय की एंट्री ले और इसमें 73.70 भी बल्कि रहने दें, 73.80 का स्टॉप लॉस लगा लें, 20 पिप का स्टॉप लॉस है। और अगर ये आप कॉप साइड पर लेके जाए तो 75 आपका पहला टारगेट होगा, 75 पे आप निकल सकते हैं। अगर 75 को ये तेजी के साथ अप साइड पर लेके जाता है तो फिर आप 76 तक इसमें जा सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन एक दफ़ा बाय बनती है क्योंकि यहाँ पे मार्केट रुक रही है, इसको काफ़ी देर होगी यहाँ पे रुकते हुए, तकरीबन एक दिन हो गया, 24 आवर्स हो गए हैं, क्योंकि कल की वीडियो में आपने यही लेवल देखे थे कि यहाँ पे आपका यूएस ऑयल रुक रहा है। तो यूएस ऑयल मेरे नज़दीक अभी बाइंग पोजीशन पे है, इसमें 73.80 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए और बाय करके इसको अपसाइड पे लेके चलना चाहिए। और यहाँ पे आपको ये 100 पिप के करीब देगा, अगर ये 100 पिप भी तोड़ दे तो आपको यहाँ पे 200 पिप और फिर 300 पिप और इसके बाद 400 पिप तक भी आपको ये ट्रेड मिल सकती है यूएस ऑयल की। 400 पिप आपको एक अच्छी ट्रेड यहाँ से मिल सकती है। तो यूएस ऑयल में पॉजिटिव रहिएगा इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर आपको यूएस ऑयल में एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दो में जरूर याद रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत दुआ करूँ, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, आमीन।